अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और आपने इसे हवा के अलावा किसी और मीडियम में रख दिया, जैसे कि पानी में रख दिया या कोई और मीडियम है वहाँ रख दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी है, तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला तो पता है, जैसे ही आप किसी मीडियम में रखोगे और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो अगर लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हुआ तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही ये लेंस जो है अभी भी बिहेव करेगा। मान लो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इस मीडियम का वो ज्यादा है इस ग्लास से, तो क्या होगा फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी और ये लेंस जो है ये डाइवर्जिंग टाइप का लेंस बन जाएगा, मतलब ये डाइवर्ज करेगा रेस को। आपसे सवाल ये है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम है लेंस का और इस मीडियम का, तो फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी और ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, आपसे सवाल।